बिना एक्सपेक्टेशन के कुछ होता है ना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आज कुछ प्लान है कैंपिंग करने का, तो आज का ब्लॉग यही होगा। हम कैंप करने जा रहे हैं, तो आपको पता चलेगा बाद में कहाँ जा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम आ रहे हो मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन। और चलिए शुरू करते हैं। मॉर्निंग सर, कैंपिंग के लिए रंका। हाँ हाँ, मेरे ये कैसे सर ज्वाइन किया आज मेरी प्यारी बहना चुन्नू। मेरे सब्सक्राइबर को बोल दो कि नहीं, मेरा व्यूअर्स को बोल दो कि सब्सक्राइब कर ले। सब लोग भैया के चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अभी चलते हैं एमजी मार्ग, फिर वहां से एक गाड़ी लेंगे, फिर रंका चलेंगे। तो हम लोग पहुंच गए एमजी मार्ग। तो एमजी मार्ग आने का कारण ये है कि ये जो मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ ना, ये फिलहाल बस मैं हाथ से पकड़ के यूज़ कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे एक चाहिए ट्राईपॉड, कैंपिंग के लिए जा रहा हूँ ना, तो वहाँ के लिए मुझे एक ट्राईपॉड की ज़रूरत होगा, क्योंकि मुझे टाइम लैप्स लेना है। तो ये दुकान आए हैं, ट्राईपॉड मिलता है कि नहीं देखते। एक्सक्यूज मी, इसका ट्राईपॉड होगा क्या? ट्राईपॉड होगा क्या? ट्राईपॉड अभी तो यहाँ नहीं मिला, दूसरी जगह ढूंढते हैं। बैड लक, ट्राईपॉड तो नहीं मिला। तो अभी पालजर स्टेडियम की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ रंका टैक्सी स्टैंड और वहाँ से टैक्सी लेने का भी एक रीजन है, तो आप लोगों को बाद में बताते हैं। मैं बोला कि रंका यहाँ एक पैराग्लाइडिंग ऑफिस है, वहाँ आने के लिए। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए कैंपिंग के लिए। यहाँ से जो जिनसे हम लोग कॉन्टेक्ट किया था, तो यहीं से उनसे बात होगा हम लोग। ये पैराग्लाइडिंग ऑफिस है, ऑफिस एड्रेस है इसका, रेसिथांग बोलते हैं। या कांटेक्ट नंबर, आपको कभी आना तो ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। पैराग्लाइडिंग का ना 3300 होता है पर पर्सन, तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो हम, मैं सोच रहा हूँ कि ना करें। तो अपडेट ये है कि हम लोग पैराग्लाइडिंग ऑफिस तो पहुँच चुके थे, फिर वहाँ भैया से मिले, फिर भैया हमें गाड़ी से अभी लोकेशन तक लेके जा रहे हैं। भैया लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। तो अभी हम लोग निकल पड़े कैंपिंग साइट की ओर। तो पालजर स्टेडियम के वहाँ से टैक्सी लेने का रीज़न क्या है, मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। तो पालजर स्टेडियम के सामने आपको रंका टैक्सी स्टैंड मिलेगा, जहाँ से आपको शेयरिंग कैब मिलेगा बस 50 रुपये। और लेकिन आप यहाँ से अगर रिजर्व करके जाते हो ना, तो आपको अराउंड 500 to 600 रुपये लगेगा। भाई देखिए, मैं ये कैमरा से ब्लॉग कर रहा हूँ, इट्स क्वाइट हैंडी। ये वाले कैमरा आप लोगों को दिख रहा होगा, ऐसे नॉर्मली मैं इससे ब्लॉग करता हूँ। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग विद दिस, तो देखते हैं। ये हम लोग का भैया है, भैया मिस्टर मिस्टर खड़का। मैं, मुझे जो नंबर दिया गया ना, उसमें लिखा हुआ था मिस्टर खड़का, तो मैंने मिस्टर खड़का ही सेव किया। ऑर्गेनाइजर यही है। हम लोग आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं अभी कि पैराग्लाइडिंग कहाँ से होता है। ओह माय गॉड, व्यू देखिए, व्यू वो यही है गैंगटॉक सिटी। बहुत फास्ट जाते हैं भाई, हम नहीं कर रहे क्योंकि 3300 इतना पैसा तो है नहीं। तो अभी मॉनेस्ट्री आ रहे हैं। मॉनेस्ट्री का नाम है, मैंने आप लोगों को बोर्ड में दिखाया था। तो हम मॉनेस्ट्री पहुँचे, तो यही मॉनेस्ट्री है। ये यहाँ से पैराग्लाइडिंग होता है और ये मॉनेस्ट्री है, और काफ़ी अच्छी जगह। तो हमें अभी अमृत लाए गए, तो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो मॉनेस्ट्री के बाद हम लोग का यहाँ से ट्रैक शुरू होता है कैंप के तरफ। तो यहाँ से कितने किलोमीटर का ट्रैक होगा?
खड़गा जी किलोमीटर नहीं आपका वन आवर जैसे का ऐसे चढ़ाई है ना। हाँ, तो टाइम ज्यादा लगता है। सही है, ट्रैकिंग भी हो रहा है। बलीमन आ रहा है ये। और ये बलीमन ना सबसे अच्छा सबसे सुंदर जगह है ये। ओके, वहाँ का लोग भी अच्छा है, फूड भी ऑर्गेनिक मिलेगा सब, जैसे क्या बोलता है ये अपने ही जमीन घर का ही लाइव तोड़ के आपको वही खिला देगा। तो हम लोग यहाँ से पानी ले लिए। सिक्किम में क्या हुआ कि 31 दिसंबर के बाद प्लास्टिक बोतल बैन कर दिया, पानी बोतल। तो अगर बाहर जा रहे हो तो आपको एक पानी बोतल तो कैरी करना जरूरी है। बोतल कैरी नहीं करोगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। लग रहा है आपको, बताइए। मस्त, डिडंट एक्सपेक्ट दैट कि हमें ट्रैक भी करना पड़ेगा। वी आर जस्ट यू नो अप फॉर कैंपिंग। हमने सोचा कि रास्ते पे उतर जाएंगे, थोड़ी देर जाके हमें कैंप मिल जाएगा, बट हमें अभी 1 आवर का ट्रैक करना है। सो इट्स क्वाइट एक्साइटिंग एंड अभी तक जितना है बहुत थ्रिलिंग है। मतलब लग रहा है कि हाँ, मतलब हाँ, इट वर्थ इट। मतलब सोचा कि कैंप करेंगे, वो भी बहुत एक्साइटमेंट है, लेकिन ट्रैक कैंप के साथ साथ ट्रैक भी हो रहा है, तो मतलब चेरी ऑन केक बोलते हैं ना वही है। आवाज़ सुनिए भाई, छोटी छोटी गलियों से आ रहा हूँ और यहाँ जो शांति है ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल का है। हेलो, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। मैं आसाम से पिकनिक खाने के लिए आया। हाँ, कैंप है, पिकनिक। माई नहीं, आसाम से। मैं आसाम से आया हूँ। आप आसाम में? आसाम से। और लोग भी आया? हाँ, मैं अकेला हूँ आसाम से। तो नेपाली जगह अच्छी लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर है। इधर उड़ने उड़ने भी सभी आए। हाँ हाँ, मैं अभी देख के आया। ट्रैवलिंग जाना? अब फिर कभी कभी आएगा? इतने एक ही बार आया? नहीं यार, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। फिर आ रहा है या फर्स्ट टाइम? चलिए, मिलके बहुत अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू। कितना अच्छा लगा ट्रैक करके, अभी तक तो थकान नहीं, मजा आ रहा है। यहाँ से सिटी का नजारा, सिटी कितना सुंदर दिखता है यहाँ से। वाओ। हेलो, हाय। मंजिल की ओर हम जा रहे हैं। बोलते ना बिना एक्सपेक्टेशन के कुछ होता है ना, तो ये ऐसा ही हो रहा है। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे। ऑलमोस्ट हम लोग डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं। यहाँ से ये ट्रैक करना है। Here it is. Wow. ऊपर एक गांव है, आइए लंच के देखिए। और ये हम लोग कैंपिंग साइट है। ये सब हमारे भाई लोग हैं। ये सब भाई लोग हैं जो हमें रात को गाइड करेंगे। मिल गया, अच्छा लगा सबको। तो ये बाथरूम है, तो यहाँ नहा भी सकते हो और पोटी वोटी अपना हल्का भी हो सकते हो। ये बनाया गया है बस ये कैंप के लिए। खड़का जी है, खड़का जी का नंबर मैं दे दूंगा नीचे, लेकिन दे सकते ना। आप लोग आना चाहो तो खड़का जी को कांटेक्ट कर सकते हो उनके फोन नंबर पे। तो हम लोग का टेंट भी रेडी।
हम लोगों ने सोचा कि ऊपर एक गांव है, गांव थोड़ा घूम के आए, तो हम लोग के साथ एक डॉगी भी है, तो उसके लिए बिस्किट खरीदना है। तो वो डॉगी देखो हम लोग के साथ नीचे से आया है ये बंदा। ओए कम लेट्स गो। हम लोग पहाड़ों के मतलब पहाड़ चढ़ाई कर रहे हैं, इसके लिए बिस्किट ढूंढ रहे हैं हम लोग। यहाँ से नीचे से आया कैंप हम लोग का उस तरफ। हमें दुकान मिल गया, यही है दुकान। खानो खानो, हाँ गुड बॉय। और एक खाओ, चलो बाकी हम लोग नीचे जाके खाएंगे, ठीक है। इसको बेंजी नाम दिया, बेंजी कम। चलो बेंजी लेट्स गो होम। बेंजी बेंजी यू रॉक। All night long, yeah. क्या नाम है इसका? We dance with the reason tongues and all day long. इनका मालिक तो गया। चलो कप। देखो इसको बिस्किट खिलाया हम लोगों ने, पूरा पैकेट खा लिया अकेले। अभी नहीं है इसके लिए, अभी तो रात को ही तुम्हें चिकन मिलेगा जो मेरे लिए बनेगा, तो अभी तक बनाया नहीं ना, रात को खाएंगे, ठीक है। तो ये मैं टाइम लैप्स बना रहा हूँ। सरकार जी ने चाय लाया हमारे लिए, कितने सुंदर ग्लास में। माय गॉड चाय। आज के शाम इस व्यू के साथ ये चाय के नाम। पीछे देखिए सनसेट हो रहा है। ट्रैवल करने का अपना ही कुछ फ़ायदे हैं, कुछ फ़ायदे मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत सारे। अब ट्रैवल करोगे तो बहुत सारे लोगों को मिलोगे, फिर नए नए लोग मिलोगे, नए नए दोस्त बनाओगे, नए नए कल्चर सीखोगे, नए नए ट्रेडिशन सीखोगे, लोगों को ज़्यादा जानोगे, दुनिया को बेहतर जानोगे। तो ज़्यादा मत सोचिए, बैकपैक कीजिए फिर निकल पड़िए। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। चीयर्स। नाउ इट्स 6:30। तो अभी हम लोग बॉनफायर हम लोग का यहाँ चालू है, ये बॉनफायर है, फिर हम लोग निकाल लिए लोकल वाइन। ये लोकल वाइन निकाल लिए झालमुरी। यहाँ से बहुत मतलब पूरा गैंगटॉक सिटी दिखता है, पूरा सारा कवर करता है। ले लें जी। खाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, भात है, अचार है और यहाँ सब्जी है। सब्जी है ये सब्जी है, थैंक यू सो मच। साग हाँ साग दे दीजिए, ये साग बहुत टेस्टी दिख, थैंक यू सो मच। मैंने इसको चिकन खिलाया। अब ये है, हम लोगों ने डिनर कर लिया और कुछ भैया आए हैं गांव के सब। ये खरका जी है हमारे ऑर्गेनाइजर, और ये भैया, भैया का नाम दीपक जी पायलट है। और ये भैया है, मेरा नाम राजेश और मैं ही के रहने वाला हूँ। खाना आपने बनाया था? हाँ, टेस्टी बनाया था। डिनर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बज चुका है 10:30, सो इट्स टाइम फॉर बेड। Look at this view, guys. कितनी शानदार व्यू है, कितनी शानदार व्यू है। वाह, आप अगर सुबह ऐसे जगह उठते हो तो और क्या चाहिए आपको। तो कल से हम लोग के साथ ही है, नीचे से हम लोग के साथ आया था, तो अभी भी हम लोग के साथ ही है, पूरी रात हम लोग के साथ रहा, रात को भोग भी रहा था ये। मंजी यू आर लव, यू आर रियली माई लव। तू लड़का है कि लड़की है वो भी पता नहीं, बस बहुत प्यार है तुमसे। वहाँ देखिए, वहाँ स्नोफॉल हो रहा है, ये देखिए।
आप टॉप पे देख सकते हो, वहाँ स्नो है। और यहाँ से व्यू भाई क्या बताऊँ क्या बताऊँ, नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। लुक एट दिस, लुक एट दिस। वहाँ से सनराइज़ हो रहा है, बट द वेदर इज लिटिल क्लाउडी टुडे, सो हमें सनराइज दिख नहीं रहा है, बट इट्स ओके। अगर क्लाउड नहीं रहेगा तो आप लोग सोचिए कि सनराइज दिखने को मिलेगा और ऐसा नज़ारा। और क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको? कम, इसको घर लेके जाए, बोरी में डालना पड़ेगा पानी। अभी फिलहाल हम लोग प्लास्टिक सारे उठा रहे हैं, जितना भी गंदगी मचाए थे कल, तो उसको उठा के एक ही जगह कलेक्ट करके रखेंगे ताकि सबको ईजी हो बाद में जलाने के लिए, नहीं तो उठा के लेके जाने के लिए। तो अरे आप लोग ऐसे मत कीजिए, नहीं कोई नहीं, नहीं 5 मिनट में हो जाएगा। पॉल्यूशन एक कलेक्ट करके हम लोग यहाँ यहाँ जमा कर दिए। जो भी आइए कोई भी गंदगी ना मचाइए, अगर गंदगी करना ही है तो साफ करके जाइए। फाइनली जाने का टाइम हो गया, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। और मिलके अच्छा लगा यार, रमेश, रमेश राइट, मिलके अच्छा लगा यार, नाइस टू मीट यू मैन। हेलो, अरे बाय जान, बाय बाय मैन, थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटलिटी, अच्छा लगा, फिर मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम जरूर आना, फिर आ जाना। सब्सक्राइब द चैनल, यो यो, चलो, इट वाज नाइस मीटिंग यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। हां अभी खुशी खुशी यहाँ टाइम बिताने के बाद घर जा रहे हैं। अभी विल ट्रैक डाउन, और मैं फिलहाल यहाँ से बनाऊंगा हाइपरलैप्स, तो देखते रहे हाइपरलैप्स। अभी नहीं, ये देखो बेचारा। हम लोग जाने वाले हैं, बाय बेंजी, बाय, वी आर सॉरी, वी हैव टू से गुड बाय टू यू। क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ना, तुम्हारे मालिक तो हमें ले जाने नहीं दे रहे। तो अच्छे से रहना, ठीक है, खुश रहना, और दोस्त मिलेंगे, नए नए दोस्त बनाना, ठीक है, यही जिंदगी है। लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, लेकिन अच्छे मेमोरीज साथ रखना है, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू खड़का जी। खड़का जी, बहुत आपके हॉस्पिटल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा मिलके, और फिर मिलेंगे कभी, ठीक है। ओके जी, ये खड़का जी क्या आप बोलेंगे? अगर कुछ ये भाई का चैनल सब्सक्राइब कर देना आप लोग जरूर, सब्सक्राइब कर देना। तो हम लोग खड़का जी को बाय बोल दिए, अभी टैक्सी में बैठ। तो जहाँ से ब्लॉग शुरू किया था वहीं से खत्म कर रहा हूँ। तो गाइस हु आर न्यू टू द चैनल, प्लीज डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड थैंक यू वेरी मच। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद। जो भैया है ना, अपने दोस्त लोगों को लेके आए, तो बारबेक्यू बना रहे हैं, आई थिंक चिकन का ही होगा, स्मेल जो आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ बस एक पीस मिल जाए मेरे पास, एक पीस।